हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम में। आज हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, हम सभी जानते हैं कि सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, जो कि वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं, और हमारे रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी। और इनके अंतर्गत तीन सेना आते हैं, जैसे कि वायुसेना, नौसेना और थल सेना। तो हम लोग बारी बारी से इन तीनों सेनाओं के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वायुसेना अध्यक्ष के बारे में, जो कि वर्तमान में अभी वायुसेना अध्यक्ष हमारे कौन है, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। इसका पूरा नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना कब हुई है, 8 अक्टूबर 1932 को। स्थापना कब हुई है, 8 अक्टूबर 1932 को। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। चूँकि इसकी स्थापना 8 अक्टूबर को हुई थी, इसलिए दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। और तीनों ही सेना का एक आदर्श वाक्य होता है, वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तम। एक बार फिर से, नभ स्पर्शम दीप्तम। नभ स्पर्शम दीप्तम का अर्थ होता है आकाश को स्पर्श करने वाले दिव्यमान, आकाश को स्पर्श करने वाले दीप्यमान। और इसका रंग होता है गहरा नीला, हल्का नीला और सफ़ेद। तीनों ही सेना का अपना एक रंग होता है, उस रंग को याद रखना है फ्रेंड। वायुसेना अध्यक्ष वायुसेना का जो रंग होता है वो क्या होता है, गहरा नीला, हल्का नीला और सफ़ेद। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं नौसेना की ओर। और वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है हमारे, वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना कब हुई है, 5 सितंबर 1612 को। और हम लोग नौसेना दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को। नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, शम नो वरुणा, शम नो वरुणा। इसका अर्थ होता है फ्रेंड, जल का स्वामी हमारे लिए शुभ हो सकते हैं, जल का स्वामी हमारे लिए शुभ हो सकते हैं। जिस तरह वायुसेना का रंग था गहरा नीला, हल्का नीला और सफ़ेद, उसी प्रकार नौसेना का भी अपना एक रंग होता है, नेवी ब्लू एंड वाइट, नेवी ब्लू एंड वाइट। इसके बाद हम लोग फ्रेंड आते हैं थल सेना अध्यक्ष की ओर, थल सेना अध्यक्ष की ओर। थल सेना जो है, थल सेना अध्यक्ष अभी वर्तमान में हमारे कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको याद रखने आवश्यक हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1895। याद रखिएगा फ्रेंड, 1 अप्रैल 1895। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इसी प्रकार थल सेना का भी अपना एक रंग होता है, तो इसका रंग है सुनहरा, लाल और काला, सुनहरा, लाल और काला। सेना दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड, तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है फ्रेंड, 15 जनवरी को। थल सेना के उप सेना प्रमुख कौन है, यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड, लेफ्टिनेंट जनरल शरत चंद, शरत चंद उप सेना प्रमुख। और उसी प्रकार थल सेना अध्यक्ष थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ, जिसका अर्थ होता है स्वपूर्व सेवा, स्वपूर्व सेवा, यानी कि खुद से पहले देश की सेवा। तो ये थे प्रमुख हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत तीनों सेना और उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर ये वीडियो आपको शिक्षाप्रद लगती है, तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।